हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लॉगर में H1, H2, H3 को कैसे यूज कर सकते हो, ये टैग कैसे यूज किया जाता है बहुत लोगों को पता नहीं है, और इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पोस्ट में कैसे यूज करते हैं इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग में, ताकि मैं उस समस्या का समाधान जो है कर पाऊँ। और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और इस वीडियो में मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने medium.com का यूज करके एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स प्लस ट्रैफिक लेने का मेथड इसमें बताया। इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी, आपके पोस्ट जल्दी से रैंक करना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने इस वीडियो को बताया था, और ये वीडियो जो है ना, इस पे बैकलिंक्स हर एक वेबसाइट ओनर बना सकता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है, सभी टाइप के आप यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट को लिख के शेयर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेथड है, इसको ज़रूर आप यूज करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ इन्फो बटन जो है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा इसका लिंक। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं ब्लॉगर डैशबोर्ड। ब्लॉगर का एक पोस्ट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब कैसे आप यहाँ से H1 H2 कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि ब्लॉगर के पोस्ट में आप H1 को नहीं यूज कर सकते हैं। ब्लॉगर का जो आपकी वेबसाइट है उसका जो टाइटल होता है वही आपका H1 होता है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पोस्ट मैं पहले बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी साइट को एक बार ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लॉगिंग जोन्स मैंने लिखा है यही इसका यहाँ पे H1 होगा। और अगर आप यहाँ पे, अगर ब्लॉगिंग जोन्स की जगह पे आप अगर कोई यहाँ पे लोगो लगा देते हैं, तो आप जब चेक करेंगे किसी टूल में तो ये आपका H1 टैग मिसिंग दिखाएगा। मेरा यहाँ पे सजेशन क्या है, आप यहाँ पे लोगो मत यूज करिए अगर ब्लॉगर पे हैं। आपको यहाँ पे नाम यूज करना है, टेक्स्ट यूज करना है, ब्लॉगिंग जोन्स, ठीक है। आपको आपकी जो साइट का नाम हो वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये H1 आपका शो होगा, कहीं भी किसी भी टूल्स में आप सर्च करेंगे तब H1 शो होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, H1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है SEO के हिसाब से। इससे गूगल डिटेक्ट कर पाता है कि इनका किस नीश पे है और किस टाइप का ये पोस्ट लिखते हैं, इससे रैंकिंग में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो H1 रहने दें, और अगर आप वर्डप्रेस यूजर हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पोस्ट का जो टाइटल होता है वो H1 होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कहाँ H1 रखना है, कहाँ H2 रखना है, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का यही बेनिफिट है, जबकि ब्लॉगर में लिमिटेशन होता है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट रखना है, लोगो नहीं रखना है, तभी आप H1 यूज कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अब आते हैं अपने पोस्ट की तरफ। एक पोस्ट मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि H1 मैंने बता दिया, अब H2 कैसे आप यूज करेंगे। देखिए, ये जो आपका पोस्ट का टाइटल है ये H2 होता है, ठीक है, ये H2 रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई हेडिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग कैसे करें, ये देख सकते हैं, ये हेडिंग है, ये है आपका हेडिंग, यहाँ से आप हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो ये भी आपका H2 रहेगा, ठीक है, H2 ये भी रहेगा। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे और एक हेडिंग लिया यहाँ पे सब हेडिंग लिया, यहाँ पे देखिए ये सब हेडिंग है। अगर यहाँ पे सब हेडिंग लेंगे तो ये ब्लॉगर में H3 होता है। उसी तरह से नीचे और भी हेडिंग लेते हैं और वहाँ पे माइनर हेडिंग को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका H4 हो जाएगा। और नॉर्मल ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ये नॉर्मली बेसिकली आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो H1, H2, H3, H4 आप समझ गए ब्लॉगर में कहाँ पे यूज होता है, देख सकते हैं। ये हेडिंग जो है H2 है, सब हेडिंग H3 है, माइनर हेडिंग H4 है, ठीक है।
और आपका जो ये टाइटल होता है पोस्ट का, ये भी H2 होता है। और H1 आपका जो ये साइट है, ये जो साइट है यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगिंग जोन्स जो मैंने ये लिखा है, ये मेरे साइट का जो टाइटल है वो हमारा यहाँ पे होता है H1। अब यहाँ पे मैंने एक टूल का यूज किया है seocheckup.com। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें H1 अभी शो करेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं H1 हेडिंग इसमें अवेलेबल है, ब्लॉगिंग जोन्स यहाँ पे देख सकते हैं H1 हेडिंग अवेलेबल है, और H2 भी आपको देख सकते हैं नीचे H2 भी है। तो इस तरह से आप जो है H1, H2, H3 ब्लॉगर में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे SEO का इम्पेक्ट क्या पड़ता है ये मैं बता देता हूँ। H1 का जब आप यूज करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है देखिए, आप मेरा यहाँ पे साइट देख सकते हैं bloggingjoe.blogspot.com है। तो मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, मैंने कोई टाइटल सिलेक्ट किया जैसे कि ये 2020 में ब्लॉगिंग कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी साइट का जो URL है, साइट की जो URL है मेरे, वो देखिए इसमें भी ब्लॉगिंग आ रहा है, साथ ही साथ मेरे पोस्ट के टाइटल में भी ब्लॉगिंग आ रहा है, और इस पोस्ट के अंदर कंटेंट के अंदर भी बहुत सारे वर्ड ब्लॉगिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लॉगिंग आ रहा है हेडिंग में, H2 में भी। तो इस तरह से गूगल डिटरमाइन कर पाता है कि ये किस टॉपिक पे पोस्ट लिखा गया है, ऐसे पोस्ट को जल्दी रैंक करता है और आपकी साइट बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो कभी भी आप डोमेन खरीदें तो अपने नीश के हिसाब से डोमेन ज़रूर खरीदना चाहिए। तो ब्लॉगिंग जो यहाँ पे मैंने लिया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट टाइटल में भी मैंने ब्लॉगिंग रखा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लॉगर में H1, H2, H3, H4 को कैसे यूज करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप सोच रहे हैं कि टाइटल में हमारे H1 नहीं है पोस्ट के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई भी इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पोस्ट में कोई भी रैंकिंग का इशू नहीं आएगा। ठीक है, आप H2 को कई बार भी यूज कर सकते हैं, H3 को भी कई बार यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों ने ये बोला होगा कि अगर आपके ब्लॉगर पोस्ट में H1 नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस केवल आपका H1 कहाँ होना चाहिए, आपका जो ये साइट का यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगिंग जोस मैंने बना के रखा है, ये यहाँ पे लोगो मत लगाइएगा अभी फिलहाल में, आपको H1 यहाँ पे रखना है, टेक्स्ट ही रखना है, तब आपका H1 दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी साइट भी रैंक करेगी, SEO पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप लोगो यूज करना चाहते हैं तो लोगो तब यूज करिएगा जब ब्लॉगर पे आपके ट्रैफिक आने लगे थोड़ा बहुत, आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए, और उसके बाद आप वर्डप्रेस पे जब मूव हो जाएं तब आप लोगों का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।